फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दूध में भीगी हुई सूजी के लड्डुओं की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये लड्डू रसगुल्लों की तरह एकदम नरम और मुलायम बनकर तैयार होते हैं, तो आइए इसे बनाते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। घर का कोई भी कप सेट कर लीजिए, उसी कप से 1 कप सूजी ले लीजिए। अब उसी कप से हमने यहाँ पर लिया है 1 कप दूध। दूध हमारा उबला हुआ है। अब दूध उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर पर है, तो दूध को हम सूजी में मिला देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे 1/2 कप चीनी। उसी कप से हम 1/2 कप चीनी डाल रहे हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच गुड़ भी डाल देते हैं। गुड़ से इसका टेस्ट जो है काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। 4 इलायची के दाने भी डाल दिए। अब हम इसे पीस लेंगे। अब चलते हैं अपनी सूजी की तरफ। ये देखिए, सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है और अच्छे से भीग कर तैयार है। अब यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन को रखा है, उसमें 2 से 3 चम्मच घी डाला है। यहाँ पर मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने सूजी रखी हुई थी दूध में खोलकर, उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। शुरू में घी ज्यादा गर्म होता है, इसलिए जो रवा डालते ही इसमें इस तरह का बनने लगता है। लेकिन आप इसे जैसे जैसे चलाते जाएंगे और अच्छे से भूनते जाएंगे, तो इसका टेक्सचर जो है वो चेंज होता है। जब हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे और यह पकनी शुरू हो जाएगी, तो ये पैन को भी छोड़ने लगेगी। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यह कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर चेंज हो गया और यह दानेदार सी हो गई है। तो हमने इसे पैन से निकाल लिया है और हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब यहीं पर हमने जो चीनी पीस कर रखा था, उसे हम इसमें मिला देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी की जगह देसी खांड या बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसका टेस्ट चेंज करने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो अब हम चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इससे लड्डू बांधने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लगे कि यह थोड़ा सूखा है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी मिला सकते हैं या फिर दूध की मलाई भी मिला सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, तो अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। लड्डू आपको जितने बड़े साइज की चाहिए, आप उतने बड़े साइज के लड्डू बना सकते हैं। मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से बाइंड हो रहे हैं। तो ये हमने 1 लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। इन लड्डुओं को बनाने के बाद आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट और मुलायम लड्डू इससे बनकर तैयार होते हैं। तो ये लीजिए, हमारे लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर बादाम लगा देती हूँ। इससे देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और जिसको ड्राई फ्रूट नहीं पसंद हो, वो बाद में इस ड्राई फ्रूट को निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स, कम समय में आसानी से यह लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से दूध में सूजी को भिगाकर लड्डुओं को बना सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच घी से यह लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। हमारे लड्डू बनकर तैयार है, तो आइए मैं इसे तोड़कर इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, एकदम रसगुल्लों जैसे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को इस त्योहार जरूर बनाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।